तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने डिमोलिशन ड्राइव जो है उसे चलाया है, और ये कुंजवानी के दृश्य आपको दिखा रहा हूँ बाहू एक्सप्रेस पर। तमाम सुरक्षा बल के साथ हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, और किस तरीके से ये देखिए हमारी गवर्नमेंट के कारनामे है जो स्वच्छ भारत को अच्छी तरह स्वच्छ भारत था, ये अब इसको क्या बनाया जा रहा है देखिए, ये स्वच्छ भारत था ना, आपको दिख रहा है ये टाइल 2500 रुपए का एक पीस है, ज्यादा रोड बनाए 2500 रुपए की एक टाइल है, अब आप गिनते जाइए कितनी टाइलें पड़ी हैं, ये स्वच्छ भारत बनेगा अभी, ये नेशनल हाईवे स्वच्छ भारत बनाने आ रहा है, ये सारे मिले हुए नेशनल हाईवे के साथ, ये स्वच्छ साफ सुथरा रोड था, अब इसको गंद डालेंगे, ये स्वच्छ भारत बना के जाएंगे यहाँ। लोग हालांकि खफा हैं इस कार्रवाई से खफा हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है वो सही नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कार्रवाई कर रही है, और हालांकि लोग जो हैं वो खफा हैं। नहीं वो ठीक है, मैसे है, हम एक्सीडेंट होते हैं इधर, हमको ये म्यूनसिपलिटी वाले सबको ऑर्डर देना चाहिए, म्यूनसिपलिटी ऑर्डर नहीं दिया, बगैर बोल के धंधा ऐसा क्या कर रहे हैं, इधर लोग नशा करेंगे, नशा बेचेंगे, ऐसा जो क्या करेंगे ले आकर, इधर म्यूनसिपलिटी वाले को बोलना चाहिए इधर निकालो ऑर्डर, पहला ऑर्डर निकाला नहीं इधर, नहीं हम इनके साथ है, हम रोड नहीं रोड के साथ है, रोड वाले मैसेज देना चाहिए, इधर डेड बैठे गिरती है, एंट्री है नहीं, नो एंट्री हो रही है, रास्ते को टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं इनके, नहीं रास्ते देखो जब कोई एक्सीडेंट होता है पुलिस वाले को प्रॉब्लम पड़ जाती है इधर, हम वो डेड बॉडी को अथॉरिटी का कहना है इलीगल आपने इंक्रोचमेंट की है बिल्डिंग से आगे, इनको डिमोलिश करना है, नहीं पहले सर इनके मार के देना चाहिए, मार्का नहीं दिया, गरीब आदमी सब दिहाड़ी वाले आदमी जो जिनको तोड़ा फोड़ा है, ये अंधा कानून है, जब कश्मीर बन जाएगा आने के डैमेज जब कश्मीर हो जाएगा, ये धंधा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो काम कर रही है, और अभी आप लाइव विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण किया जाता है रोड्स के किनारे, हालांकि लोगों का कहना है कि हमने अपने पैसों से जो चीज़ें बनाई हैं और अब इसका हर्जाना आखिरकार कौन भरेगा, जब हम बना रहे थे तब ये लोग कहाँ थे, अब लोग तो खफा हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूं तो वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, और ऐसे ही कई जगहें जो हैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँ, उनको दूसरा जो सामने का जो हिस्सा है कुंजवानी का एरिया है, और यहाँ पर लगातार NHAI की बात करूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो वो डिमोलिशन ड्राइव जो है उसे चला रही है, और ये एक्सरसाइज जो है लगातार की जा रही है उन जगहों पे की जा रही है जहाँ पर अवैध तरीके से ज़मीन जो है उसे कब्जा कर रखा हुआ है, और अभी हालांकि लोग जो हैं वो खफा हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये दृश्य जो हैं ये हताशा करने वाले हैं और इस तरीके के दृश्य जो हैं वो नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दृश्य हैं, और क्या सही है क्या नहीं है आप जनता इसका फैसला करें, और किस तरीके से ये जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है आप इसको किस तरीके से जो है
इसका समर्थन करते हैं या इसके विपक्ष में आवाज़ उठाते हैं, ये राय आप जनता जो है वो करें। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो यहाँ पर है और तमाम उनके लोग जो हैं यहाँ पर हैं, उनके साथ जो है ये ड्राइव चलाई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा सुरक्षा बल जो है पुख्ता रूप से यहाँ पर, आरएस चौधरी जी के साथ साथ तमाम उनके सहयोगी जो हैं वो भी यहाँ पर हैं और वो भी लोगों से बातचीत करते हुए, और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जम्मू पुलिस जो है पूरे सुरक्षा बल जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये कुंजवानी का एरिया है और यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ तो ये डिमोलिशन ड्राइव जो है उसे चलाया जा रहा है। ये अवैध तरीके से जो लोगों ने अपनी दुकानों के सामने जो है वो उसे बिल्कुल परमानेंट स्ट्रक्चर जो है बना लिया होता है, जैसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनके खिलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जा रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इन चीज़ों को हटवा रही है। लगातार ये एक्सरसाइज जो है वो करवाई जा रही है। हालांकि आप सामने देख सकते हैं लोग जो हैं वो खफा हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें पहले बताना चाहिए था उसके बाद ये चीज़ें कर दें। दूसरी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके की दोनों पूरा जो एक्सरसाइज जो है वो तमाम एरिया में जो है वो की जा रही है। और अब हालांकि लोगों का जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है और जो लोकल्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, सुरक्षा बल तो होती है लेकिन उनके साथ साथ लोकल्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट कुंजवानी से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो डिमोलिशन ड्राइव जो है उसे कंडक्ट कर रही है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो तमाम एरिया में की गई है। यहाँ यहाँ पर भी ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, इस तरीके के पाथ जो हैं वो परमानेंट बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये जगवार का शोरूम है, उसके सामने का ये दृश्य है, वहाँ पर भी इस तरीके से जो चीज़ें जो हैं वो बनाई गई थी, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं पार्किंग के लिए जो कस्टमर्स आएँ उनकी सहूलतों के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। ये चीज़ें नेशनल हाईवे, ये एरिया जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है हर साइड से। यहाँ जहाँ पर भी ये एरिया जो है उसे परमानेंट करके कंक्रीट स्ट्रक्चर जो हैं या टाइल्स जो हैं वहाँ लगाई गई हैं उन्हें हटाया जा रहा है और वो जगह जो हैं वो खाली करवाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं जमावड़ा जो है वो काफ़ी लोगों का यहाँ पर है और तमाम लोग जो हैं उनके साथ यहाँ पर इकट्ठा हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर हैं, लोगों से बातचीत भी की जा रही है। ये ड्राइव जो है इसे चलाया जा रहा है और लोग थोड़े से खफा भी हैं, लोग थोड़े से नाराज़ भी हैं। उनका कहना है कि हमें ये अपडेट दिया जाता तो उसके बाद ये चीज़ की जाती तो हम इसका समर्थन करते, हमें कोई भी नाराज़गी जो है वो नहीं है लेकिन हमें इससे पहले जो है वो बताना चाहिए था। दृश्य और तस्वीरें आप लोगों तक छोड़े जा रहे हैं, आप लोग इसका फैसला जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस डिमोलिशन ड्राइव जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो की है, ऐसे कई स्ट्रक्चर्स जो हैं पूरे जम्मू के अंदर अगर बात करें और तमाम इलाकों की अगर बात करें वहाँ पर भी ये इसी तरीके के दृश्य जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल ड्राइव जो है वो यहाँ चलाई गई है, ऐसे जितनी सिटी के एरिए हैं बाकी तमाम लोग यहाँ पर कंजस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर अवैध तरीके से चीज़ें जो हैं वो रख ली हैं, उन लोगों को भी जो है वो नसीहत है कि आप लोग भी लोगों का रास्ता जो है उसे अवैध रूप से कब्जा कर जो है वो ना बैठें। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये कुंजवानी की दृश्य हैं और आप देख सकते हैं अक्सर ये बिज़ी ट्रैफिक जो है वो रोड पर रहती है। और अब आज का दिन जो है वो काफ़ी व्यस्त है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं, इनके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भी इनके साथ यहाँ पर हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी, पुलिस की गाड़ियाँ, जेसीबीज, मशीन्स लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हैं उनके लोग यहाँ पहुँचे हैं।
बिल्डिंगा बनाई दी लोगों गाहक के अंदर जाना गाहक वास्तव रस्ता चाहिए नहीं चाहिए वो पौड़ियाँ पाड़ियाँ बनानी होंगे रस्ता गाहक चंगा आई है जे गाहक रस्ता इे लिया तो गाहक कि अंदर जाना जे तोड़ना तो बनाओ भी ना कन्ने जे तोड़ा तो कन्ने बनाओ उसी पता लगे भी खंभे पुट्टो सारा पूरा क्लीयर करो फिर रोड बनाओ पूरा इं लोग तंग रही जाते बेचारे गरीबे कोई तंदूर आला कोई कुत्ते कोई कुत्ते बेचारा उसी परेशान करी जाते फिर लोगों बेरोजगारी 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 तो होनी है महाराज जी लोग बेचारे अपना अपना काम करा दे तो तंग करा दे लोगों हो सकनी गल लोग काफ़ी खफा हैं लोगों का कहना साफ तौर पर यही है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ तंग किया जा रहा है भैया आप देख सकते हैं ये डी मार्ट है डी मार्ट के बाहर की ये तस्वीरें और किस तरीके से तस्वीरें आपको दिखाई हैं किस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने एक्सरसाइज जो है उसे किया है यहाँ पर और तमाम एरिया अगर शुरुआत करें वहाँ से लेकर ऊपर तक जितने भी इस तरीके के जो मॉर्ड्स हैं जिसके बाहर जो एरिया उन्होंने टाइल्स लगाकर जो था उसे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ था उसे डिमोलिश किया जा रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि इसे पहले भी यहाँ पर आए थे लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं मिलती लेकिन लोग काफ़ी खफा हैं यहाँ पर अब वक्त बताएगा कि आगे किस तरीके से लेती लेकिन ऐसे बड़े सारे एरियाज हैं वो सिटी में भी हैं बाहर भी हैं क्या वहाँ पर भी इस तरीके की ड्राइव जो है वो चलाई जाएंगी सवाल बहुत हैं उत्तर आप लोगों को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपनी राय के साथ बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर जय हिंद।